try. Do you know I'm looking? Hello everyone, this is Rusty and welcome to my channel and welcome to a new video. जैसे मैंने promise किया था guys, मैं regular हूँ, regular videos upload कर रही हूँ. And आज का जो ये video का topic है, ये most requested video था. जब से मैं इस घर में shift हुई हूँ ना, तब से मुझे ये request आता था कि आप अपना balcony tour कीजिए. अभी सच बता रही हूँ, बैल्कनी वीडियो ना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि जब आप शिफ्ट करते हो ना, घर में सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है. एंड जब मैं गोवा से यहाँ शिफ्ट हुई थी, मैं पिक विंटर्स में शिफ्ट हुई थी एंड मेरे प्लांट्स काफ़ी ख़राब हो चुके थे. एंड उसके बाद थोड़ा बहुत स्प्रिंग के टाइम में रिकवर किए ही थे कि फिर आ गया था एकदम 50 डिग्रीज वाला समर, जो पूरा ही आधा प्लांट मेरे ख़राब हो चुके थे. बट मॉनसून के टाइम में थोड़े बहुत रिकवर किए. एंड ऑल्सो मम्मी भी रेगुलरली विजिट कर रही थी एंड यू ऑल नो गाइज, मम्मी को पौधों का कितना शौक है, तो मम्मी ने मेरे को काफ़ी अच्छे से गाइड किया. एंड नाउ आई एम एबल टू शेयर माई बैल्कनी वीडियो एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप मेरा एम्प्टी होम टूर वीडियो देखें तो आपको पता होगा कि ये बैल्कनी कम्प्लीटली कनेक्टेड है, स्टार्टिंग फ्रॉम माई लिविंग रूम टिल माई बेडरूम. ये पूरा यू शेप का एक्सटेंडेड बैल्कनी है. तो मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी यही था कि मुझे बहुत ज़्यादा स्पेस मिल गया है. पर इसमें कुछ चीज़ों की डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि मेरा जो घर है वो टॉप फ्लोर पे है एंड ऊपर से कोई भी कवर नहीं है, मतलब कम्प्लीटली ओपन बैल्कनी है. तो फ़ायदा तो ये है कि अच्छी सनलाइट आती है, पर साथ ही साथ ये होता है कि मैं बहुत सारे डेकोरेटिव पीसेस नहीं सजा सकती हूँ, क्योंकि अगेन जो डेकोरेटिव पीसेस होंगे वो बारिश, सनलाइट एंड धूल से एक्सपोज होंगे एंड मेरे ही चीज़ें खराब होगी. तो मैंने बहुत ज़्यादा इसमें सजाया नहीं है. तो इस जो वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से मैंने अपनी बैल्कनी को एक कोजी लुक दिया है प्लांट्स के साथ ही, और कितना मिनिमम रखते हुए मैंने अपने बैल्कनी को सजाया है, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा. तो चलिए, मेरे को ये चीज़ें पहले शेयर करनी थी, अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा बैल्कनी कैसा दिखता है. सो यहाँ से मेरे लिविंग रूम के तरफ से दरवाज़ा खुलता है, जहाँ पे मेरे मैक्सिमम प्लांट्स हैं. एंड यस, मेरे बैल्कनी से फ्लाइट टेक ऑफ एंड लैंडिंग दिखती है. बचपन का ऑब्सेशन ना इसी घर में पूरा हो रहा है. एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े काफ़ी प्लांट्स हैं मेरे पास. कुछ तो मैंने गोवा से लेके आए थे जो सर्वाइव कर गए, एंड कुछ तो हमने यहाँ पे नया ख़रीदा है. तो सबसे पहले आपको मैं दिखाती हूँ, ये मेरा फेवरेट प्लांट है जिसे एलमोंडा बोलते हैं. एंड देखो ये कहाँ तक क्रिप करके गया है, मतलब छत छू गया है. एंड लिटरली ये फ्लैट को घर बनाने में इसी का ही हाथ है. इससे बहुत ही अच्छा सा एम्बियंस एंड लुक क्रिएट हो जाता है. जैसे ही दरवाजे के राइट साइड में आप देखोगे कि मैंने बहुत सारे कलरफुल फ्रेम्स लगा दिए हैं जो मैंने बंजारा मार्केट से लिए थे. इसे वापस से पेंट करके ना ये वॉल को एज अ गैलरी वॉल मैंने डेकोरेट किया है. एंड लिटरली मॉर्निंग के टाइम में मैं यहाँ पर बहुत सारे फोटोज़ इंस्टाग्राम में शेयर करती हूँ. उसके नीचे है मेरा जांडू प्लांट, जिसके लीव्स आपको काफ़ी छोटे देख रहे होंगे. ये सच में रिकवर ही कर रहा है. एंड बगल में मैंने ये एलमोंडा प्लांट को रखा है. इसमें बहुत सारे फूल भी होते हैं, एक आधी अभी दिख रहे हैं, कुछ गिर जाते हैं, बट इसका क्रीपिंग बहुत सुंदर है. उसके साइड में मैंने ये बैम्बू लाइट लगाया जो गोवा से मैंने लिया था. इसमें कोई लाइट नहीं लगाया, बस ऐसे ही हैंग कर दिया है. इस तरह से लुक बहुत ही सुंदर आता है. एंड उसके साइड में अगर आप राइट साइड में देखोगे तो अब मेरे बहुत सारे वहाँ पे मैंने प्लांट्स अगेन रखा है. सबसे पहले है ये मेरा चाइनीज़ बेबी डॉल प्लांट, यस इसे इसी नाम से बुलाया जाता है. और ये बहुत मीडियम साइज़ का था और अपने आप ग्रो होके देखो कितना बड़ा हो गया है एंड काफ़ी हेल्दी वे में ग्रो होता है. एंड इसे मैंने टेराकोटा पॉट में रखी हूँ. यहाँ पे एक क्लस्टर मैंने बनाया है जहाँ पे पूरे जो टेराकोटा प्लांटर्स थे उसे ही मैंने सेट करके रखा है. और ये जो टेराकोटा प्लांटर्स और ये घोड़ा जो यहाँ पे मैंने रखा है ना, ये मैं हौजरानी मार्केट से दिल्ली से लेके आई थी. हौजरानी मार्केट में आपको बहुत सारे टेराकोटा का कलेक्शन बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है. उसके साइड में मैंने देखो यहाँ पे टेराकोटा का एक स्टैंड लिया है, जिसके ऊपर हांडी के ऊपर मैंने ये चाइनीज कॉइन का प्लांट रखा है. गाइस मैं आपको सच में बता रही हूँ, चाइनीज कॉइन में ना एक ही पत्ता बचा था और देखो अब कितना घना हो गया है, थैंक्स टू मॉनसून, जहाँ पे मॉइस्चर के वजह से सारे प्लांट्स मेरे रिकवर कर रहे हैं. नेक्स्ट मेरा अगेन माय फेवरेट प्लांट माय मॉन्स्टरा, और ये
ये नया प्लांट है, मेरा पुराना वाला मर गया था तो यहाँ पे मैंने नया वाला लगाया है। और ये वाला पानी वाला मटकी है जिसके ऊपर मैंने मनी प्लांट का एक पॉट रख दिया है, उसी के ऊपर मेरा ये प्लांट है। अंदर में मैंने कुछ नहीं लगाया तो इससे भी अगेन बहुत लुक एनहांस हो जाता है। और साइड में ये चाइनीज बेबी डॉल का प्लांट, उसके साइड में है यहाँ पे एक टेबल जिसका जो आप बेस देख रहे हो ये बैम्बू का है। जब मैंने बैम्बू फर्नीचर लिया था ना उसके साथ ही आया था। उसके ऊपर जो टेबल टॉप मैंने रखा है वो मैंने गोवा में इसका DIY बनाया था, वही वाला इसे प्लेस कर दी हूँ। पहले मैं उसको सीटिंग के लिए सेंटर टेबल की तरह यूज़ करती थी, बट यहाँ पे अभी मैंने प्लांट्स रख दिया है और प्लेट के ऊपर रखा है सो दैट मेरा जो प्लाईवुड है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पे मेरे जो प्लांटर्स है ये अगेन दिल्ली वाले ही है, गोवा जाने से पहले मैंने खरीदा था दिल्ली में, उसी के अंदर मैंने सारे मेरे मनी प्लांट, कुछ वेरीगेटेड इंडोर प्लांट्स हैं। देखो ये जो भी इंडोर प्लांट्स होता है उसमें भी सनलाइट ज़रूरत होता है, तो मैं बाहर में ही रखती हूँ, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखती हूँ। यहाँ पे मेरे मिनी वाले मॉन्स्टरा, साथ में ऑक्सेलिस भी यहाँ पे ग्रो हो रहा है। इसके साइड में जो स्पाइडर प्लांट देख रहे हैं, यहाँ से हमने लिटरली किसी के गार्डन से छोटा सा कटिंग लेके आए थे और ये अब पूरा फुल ग्रोन हो गया है एंड यहाँ से भी बडिंग्स निकलने स्टार्ट हो चुके हैं। साइड में ये जो प्लांट है इसका नाम मुझे नहीं पता, बट इसके जो ये पर्पल सेक्शन है ना मुझे बहुत पसंद है तो इसे मैं यहाँ पे रखी हूँ। और यहाँ पे अगेन एक इंडोर प्लांट है जिसके नए लीफ पे अभी ग्रो हो रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ना बहुत खुशी मिलता है। तो यहाँ पे मेरे सारे जो इंडोर प्लांट्स हैं मैंने एक टेबल के ऊपर रख दिया है। पीछे के साइड में मैंने अगेन एक सिरामिक प्लांटर के अंदर ना जितने भी मेरे गार्डनिंग टूल्स हैं उसे यहाँ पे रख दी हूँ, साथ में वाटरिंग कैन और ये स्प्रे का बॉटल जो काम आता है तो मैंने इसी के पीछे रखा है सो दैट गंदगी ना हो और सारा चीज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड अरेंज दिखे। उसके साइड में मैंने यहाँ पे दो स्टैंड लगाए हैं, बहुत पुराना है मुझे याद भी नहीं है मैंने कहाँ से लिया था। और उसके ऊपर छोटे छोटे जैसे बुद्धा वाला डेकोरेटिव पीस एंड यहाँ पे मैंने जो ये बर्ड रखा है, बर्ड बटरफ्लाई जो भी है, ये मैं थाईलैंड से लाई थी तो इसे यहाँ पे सेट कर दिया है। दूसरे सेक्शन में यहाँ पे कुछ अगेन मेरे प्लांट्स है जिसमें अगेन डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे मैंने इसे प्लेस किया है। कुछ वेरीगेटेड प्लांट्स है और साथ में ये वाले दो वैरायटी है और इसका भी अगेन मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। गाइज मम्मी यहाँ पे हेल्प कर सकती है तो मैं मम्मी को रिक्वेस्ट करूँगी कि कमेंट सेक्शन में सारे प्लांट्स का नाम बता दे। एंड अगेन यहाँ पे मॉन्स्टरा का कुछ कुछ कटिंग्स बचे थे पुराने जो मेरे मतलब थोड़े से अच्छे कंडीशन में नहीं थे तो ये रिकवर करने के फेज़ में यहाँ पे हमने पॉट में लगा दिया है। साइड में है मेरा तुलसी का पेड़ जो सिरामिक के पॉट्स में मैंने रखा है एंड देखिए यहाँ पे भी मैं क्लस्टर करके रखी हूँ। सो बेसिकली इस बैल्कनी में ना मैंने सारे प्लांट्स को ऐसे फैला के नहीं रखे हैं, क्लस्टर किया है सो दैट क्लीनिंग में काफ़ी ईजी होगा। एंड सबसे बड़ा यहाँ पे जो मेरा प्लांट है वो है वाइट चंपा का प्लांट, ये गोवा से अगेन आया था, ये मेरे नेबर्स हमें दिए थे और मैं इसे बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखी हूँ क्योंकि इसकी जो साइज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है एंड इसमें बहुत सारे प्यारे प्यारे वाइट फ्लावर्स भी ग्रो होते हैं। नीचे में है मेरा रेड रोज़ का प्लांट जो अगेन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है एंड यहाँ पे रात रानी है और ये मेंटिस प्लांट भी है जिसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स ग्रो हो रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे रखा है एंड नीचे के साइड में एक जेड प्लांट भी रख दिया है। उसके साइड में है माय फेवरेट अगेन एडेनियम कलेक्शन। अब एडेनियम का पॉट आप देख रहे हो, इसके ऊपर मैंने ना ये जो प्लास्टिक के ड्रॉज आते हैं ये मेरे पास था बट यूज़ नहीं आ रहा था तो मैंने एक स्टैंड की तरह यहाँ पे यूज़ किया है और उसके ऊपर मेरे एडेनियम्स मैंने रख दिए हैं राउंड वाले पॉट में। इससे ना ये थोड़ा बोनसाई लुक बहुत अच्छा दिखता है और इसमें देखिए कितना प्यारा प्यारा फ्लावर्स भर गया है पूरा और इतने हैवी हो जाते हैं कि वो वेट संभाल नहीं पाता है। और नीचे के साइड में खाली रहता है तो यहाँ पे हमने ऐसे कुछ कुछ फ्लावर्स के प्लांट लगाए थे जिसमें अभी फूल भी बहुत प्यारे प्यारे कलरफुल आ रहे हैं तो ऑल इन ऑल काफ़ी कोजी सा वाइब होता है एंड अच्छा दिखता है। बहुत सारे वैरायटीज़ एंड ऑल्सो मैं बता दूँ ये जो एडेनियम्स है ना ये मेरे मम्मी के गार्डन का है, मम्मी ही ला के यहाँ पे लगाती है। जब फ्लावर्स होते हैं तो मुझे बड़ा खुशी लगता है कि वाओ इसमें ये कलर्स हैं। सो अगेन मैं सारा क्रेडिट मम्मी को देना चाहूँगी कि मम्मी के पास इतनी आइडियाज़ है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करती है एंड इन रिटर्न मेरा गार्डन काफ़ी सुंदर दिखता है। तो यहाँ पे देखिए वैरायटीज ऑफ मेरे एडेनियम्स है जो काफ़ी टॉल भी हो चुके हैं क्योंकि ये बहुत पुराने हैं और मे बी 10 to 15 years पुराने एडेनियम्स है तो इसके साइज़ भी बहुत अच्छे हैं एंड इनके फ्लावर्स भी बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। एंड पीछे के साइड में आप देख सकते हो अगेन मैंने जो बताया था ना रूट्स में हम लोग कुछ कुछ ऐसे प्लांट लगा दिए, इसमें देखो वाइट वाले फ्लावर्स कितने ज़्यादा भर गए हैं। एलमोंडा प्लांट के बगल में मैंने रख दिया है अपना रबर प्लांट और सच में बता रही हूँ रबर प्लांट मेरा यहाँ पे जैसे ग्रो हो रहा है आई एम रियली सरप्राइज्ड। यहाँ पे बहुत
सारे रूट्स निकल गए हैं एंड रूट से भी एक नया प्लांट निकल रहा है। इतना ज़्यादा ग्रो तो कहीं नहीं हुआ था बिकॉज यहाँ पे अच्छी सनलाइट आ रही है आई गेस, इसीलिए प्लांट ग्रो हो रहा है। नीचे में यहाँ पे मेरा एक अगेन बोनसाई प्लांट है जो बहुत ही घना वे में अभी ग्रो हो रहा है, और नीचे में अगेन कुछ कुछ ऐसे डेकोरेटिव प्लांट है जिनका नाम भी मुझे नहीं पता, बट ये जब ग्रो होता है तो अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने एक मिनी गार्डन का यूट्यूब शॉर्ट शेयर किया था जो अभी देखो पूरा बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। यहाँ पे बुद्धा जी को मैंने बिठा दिया है, नीचे में एक सिरामिक का घर रखा है, बहुत अननेसेसरी लीव्स भी यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, बट ठीक है अच्छा लग रहा है इसलिए मैं उसको हटा नहीं रही हूँ। और साइड में देखो यहाँ पे मेरा वाटर लिली का पॉन्ड है जिसमें एक वाटर लिली भी हुआ है एंड इसके अंदर में ना मछलियाँ भी है जो फिलहाल अभी दिख नहीं रहे हैं क्योंकि ऑफकोर्स थोड़ा डर जाते हैं, बट इसके अंदर हमने कुछ कुछ फिशेस भी छोड़े हैं जिसका वीडियो मैं प्ले कर दूंगी, बट इसमें छोटे छोटे वाटर लिलीज भी होते हैं। देखिए ये छोटा छोटा चीज़ है ना बहुत मैटर करता है एक फ्लैट को घर बनाने में एंड मुझे तो बहुत पसंद आता है। और देखो कुछ मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं किया है, एक रेड कलर का टब के अंदर ही मैंने ये पॉन्ड क्रिएट किया है। और यहाँ पे अगेन कुछ फ्लावरिंग प्लांट रखे हैं जो पिंक कलर के फ्लावर्स बहुत प्यारे लगते हैं। पॉन्ड के चारों तरफ मैंने थोड़ा सा ऐसे अलग अलग प्लांटर्स रख के सजाया है। नेक्स्ट ये जो है टेबल रोज या इसे क्या बोलते हैं नहीं पता, और मैंने कब खरीदा था ये कहाँ से आया है वो भी नहीं पता। इसमें एक ही पॉट में इतने अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स ग्रो होते हैं ना, मैं खुद सरप्राइज हो गई थी ये मैंने कब लाया और इतने सारे फ्लावर्स कैसे ग्रो हो रहे हैं। भगवान जाने कब लगाया था, कब यहाँ पे इतनी अच्छी सनलाइट और बारिश की वजह से ग्रो हो रहा है कि 9 AM से ना इसमें बहुत सारे फ्लावर्स भर जाते हैं जो बहुत प्यारा लगता है। इसके बाद यहाँ पे मेरा AC का आउटलेट है जिसमें मैंने थोड़े से हैंगिंग कर दिए हैं। यहाँ पे एक टेराकोटा का लाइट था जिसे मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया है, और ये प्लांटर ये भी अगेन बहुत पुराना है, घना दिखता है तो यहाँ पे मैंने साइड में हैंग कर दिया है। और ये वाले कॉर्नर सेक्शन में मेरे कुछ प्लांट्स मैंने रखे हैं जो ये अगेन एक चंपा का प्लांट है बट समहाउ इसमें फ्लावर्स नहीं आए हैं अभी तक, होपफुली जल्दी आ जाए, इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये मेरा सिग्नोनियम वाला प्लांट है एंड चमेली वाला फ्लावर भी है जिसमें बड़ा अच्छा खुशबू आता है, एक दो होते हैं बहुत ज्यादा नहीं होते हैं बट अच्छा लगता है। और कॉर्नर में एक बिरयानी हांडी के अंदर मम्मी शायद ही फ्लावर का ये प्लांट लगाई है जिसमें बड़े बड़े पिंक फ्लावर्स हो रहे हैं। ये सारी चीज मेरे लिए सरप्राइज पैकेज है, मुझे पता ही नहीं था बट इतने सुंदर लग रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे मेरा फॉक्सटेल का प्लांट है और यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे अलग अलग प्लांट्स मैंने रखे हैं जिसके अगेन फ्लावर्स होने स्टार्ट हुए हैं। मेरे पास हिबिस्किस का भी कुछ कुछ वैरायटीज हैं जो मम्मी अगेन सोर्सिंग की है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पिंक कलर का हिबिस्कस है, यहाँ पे वाइट कलर देखिए दो खिला हुआ है, आज ही के दिन तो कितना सुंदर लग रहा है। और साइड में और एक भी हिबिस्कस का प्लांट है जिसमें कलियाँ आए हैं, अभी खिले नहीं हैं, धीरे धीरे सब खिलेंगे। और साइड में अगेन एक रेड कलर का हिबिस्कस का प्लांट है जिसमें फूल बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये भी अगेन मेरे नेबर ने दिए थे, मुझे बहुत अच्छा लगता है इससे, मैं मतलब लाइक हिबिस्कस एक ही दिन सर्वाइव होता है ना, फूल सूख जाते हैं तो मैं पूजा के लिए चढ़ा देती हूँ एंड इससे मेरे भगवान भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट मेरे पास थर्मोकोल का एक ऐसा कार्टन जैसा था जिसमें हमने ग्रो किया है पुदीना, और ये काफ़ी अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, अभी अगेन ये सब रिकवरी स्टेज में ही है। मेरे पास एक ग्रिलर था जो मैं बंजारा मार्केट से ली थी, फिलहाल यूज़ नहीं होता है तो मैंने इसके ऊपर ही ये पुदीना का ये थर्मोकोल प्लांटर रख दिया है। एंड नीचे में और एक सेक्शन था जिसमें ना मैंने रैंडम हमने कटिंग्स लगा दिए, जैसे तुलसी के पेड़ हर गमले के नीचे मेरे ग्रो हो रहे थे तो मैंने यहाँ पर रख दिया है जो चाय बनाने के लिए यूज़ होता है। ये अपराजिता भी अगेन अपने आप रैंडमली ग्रो हुआ है तो इसे भी हमने यहाँ पर लगा दिया था। और जो सदाबहार प्लांट होता है वो भी मैंने यहाँ पे रख दिया है, तो एक क्लस्टर हो गया है जिसमें जो प्लांट ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं उसे मैंने एक सेक्शन दे दिया है। नेक्स्ट में यहाँ पे मेरा करी पत्ता का प्लांट है, ये भी मतलब एकदम ज़बरदस्त ग्रो हो रहा है। और साइड में लेमन ग्रास, ये सारे अगर आप बोल सकते हो मेरा मिनी वेजिटेबल गार्डन है जो कुकिंग के लिए काम आ जाता है मेरा। और साइड में अगेन मेरा सदाबहार का एक पिंक कलर का फ्लावर का है। और मेरे जितने भी बोगनविलियाज है इसे मैंने एक सेक्शन दे दिया है और ये इस कॉर्नर पे रहता है। फिलहाल अभी कुछ फ्लावर्स नहीं आए हैं क्योंकि लेटली ग्रो हुए थे तो अभी फ्लावर्स कुछ है नहीं, बट जब ग्रो
होते हैं ना तो बहुत प्यारा लगता है, बहुत भर जाते हैं। एंड इसका जो लुक है ना, ये आता है मेरे बेडरूम के बालकनी से, और बेडरूम के बालकनी से ये लुक ना बहुत अच्छा लगता है। मतलब बेडरूम से भी मेरे को थोड़ा सा ग्रीनरी इफेक्ट मिलता है, तो इसीलिए मैंने ये कॉर्नर चूज़ किया है। और इसमें मेरे 5 वैराइटीज़ के बोगनविलियाज हैं। एंड लास्टली माई फाइनल प्लांट इज दिस क्रीपर रोज़, जो अभी ग्रो मतलब अभी ही मैं लेके आई हूँ। इसमें कुछ फ्लावर्स आए नहीं हैं, बट आई एम होपिंग कि जल्दी आ जाए और ये जल्दी से क्रिप होना स्टार्ट हो जाए, तो मैं एक विंडो सेक्शन में इसे भी अगेन यूज़ करूँगी। तो ये है मेरा फाइनल प्लांट जो यहाँ पे मैंने रखा है। और यहाँ पे मेरे प्लांट्स तो ख़त्म हो जाते हैं पर बालकनी ख़त्म नहीं होता है। तो ये बालकनी अगेंस्ट टच हुआ है, जैसा मैंने बताया, पूरा बेडरूम तक। तो अगेन हर एक इंडियन घर में कपड़ा सुखाने का भी सेक्शन होता है, तो ये मैंने अपने बेडरूम साइड में रखा है। एंड वही वाले सेक्शन में जहाँ पे मैं कपड़ा सुखाती हूँ, मेरे जितने भी ट्रंक्स हैं, जो ऑफकोर्स सबके पास होते हैं, जहाँ पे मेरे बहुत सारे सामान हैं, तो उनको मैं एक सेक्शन दे दी हूँ। यहाँ पे मेरा वॉशिंग मशीन भी है, मेरा शू रैक भी है, एंड घर के जितने भी क्लीनिंग चीज़ें होती है, झाड़ू पोछा, ये सब यहीं पे रहता है। इन्हें हम दो साइड से कवर कर दिए हैं सो दैट बारिश का पानी ना आए और मेरा वॉशिंग मशीन ख़राब ना हो। तो गाइज ये था मेरा इस घर का बैल्कनी टूर। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा अगर लगा तो गाइज प्लीज़ मम्मी के लिए ना एक कमेंट एंड लाइक ज़रूर दे देना, क्योंकि मैं जितना सजा के रखती हूँ, मेरी मम्मी प्लांट्स का उतना ज़्यादा केयर करती है एंड उतना ही ज़्यादा सजा के रखती है। सोचो मम्मी इतनी दूर में रहती है, पर बीच बीच में जब आती है ना, पूरा बैल्कनी को सजा के जाती है। और मेरे आधा से ज़्यादा प्लांट्स तो मेरे घर के ही हैं, मतलब मेरी मम्मी के गार्डन से मम्मी लेके आती है और उन्हें यहाँ लगाती है। तो मम्मी के लिए एक्स्ट्रा लाइक डेफिनेटली बनता है, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर दे देना। एंड अगर मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना। चलिए इसी के साथ मैं सृष्टि मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।